मेरी इज्जत छीन, कहूँ क्या मुझे कहना चाहा। भैया मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई भैया, पर जहाँ जा गई मैं खाली हाथ लौटी। हमारी मदद करने के लिए एक निर्मला काकी थी, मैं उसके पास जा ना सकी भैया, मेरे उम्मीदों पर पानी फिर गया भैया, वो कमीना मुझे रास्ते में मिल गया। हमारी मदद करने के बजाय उसने मेरे साथ बहुत अन्याय किया भैया, मैं मर जाना चाहती हूँ। तू मर जाना चाहती है? अरे पगली, तुझे मैं एक रोटी सूखी तो खिला नहीं सका, धिक्कार है मेरे जैसे भाई पर, एक भाई के होते हुए भी एक बहन की लाज लुट गई गुड़िया। मैं इतना बड़ा भागा हूँ कि कुछ कर नहीं पा रहा हूँ बहन। सुख नसीब में नहीं है अपने, सुख नसीब में नहीं है अपने, फिर दीदी क्यों रोती है। नसीब में नहीं है तेरे, फिर बहना क्यों रोती है। सुख की रोटी खिला न पाया, सुख की रोटी खिला न पाया, फिर बहना क्यों रोती है। मैं राखी की लाज निभा न सका, मैं हर बहन राखी के त्योहार पर अपने भाई से कुछ नहीं मांगती है गुड़िया। तूने भी यही कहा था कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहना मेरे भाई। और बहन कितनी बड़ी आस लगा करके रहती है, अपने भैया अपने नैहर, वो कोई औरत ऐसी नहीं है जो भूल जाती हो। और तू भी मुझसे क्या मांगा था, एक प्यार ही तो मांगा था, लेकिन वो भी नहीं दे पाया। लेकिन सुनो बहन, राखी की लाज निभाना सका मैं,
परसों मोरी बहिनी हो परसों मिलन मौत से होगी परसों मिलन मौत से होगी रो कर मुझे जिस भाई के पास आई है ना कानून से मजबूर हूं बहन दो दिन की और जिंदगी बची है पर से मेरी फांसी हो जाएगी बहन मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हाँ भैया तू कुछ नहीं कर सकता और मैं तुझे कुछ करने के लिए कहूंगी भी नहीं क्योंकि क्योंकि तू भी इस दुनिया में नहीं रहेगा अब मैं भी इस दुनिया में रहकर क्या करूंगी ये माने वाले कहेंगे क्या तू कल तेरी पासी हो जाएगी और मैं क्या सोचूंगी लोग क्या सोचेंगे कि इसका इसके भाई का फांसी हो गया और इसकी इज्जत लूट गई फिर भी ये चिंता है नहीं भैया मैं ऐसा नहीं होने दूंगी भैया मैं जा रही हूँ भैया मैं जा रही हूँ अगर तू कुछ नहीं कर सकता ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी साहब साहब बोलो एक बात कहना चाहता हूँ साहब क्या कहना चाहते हो बोलो चौबीस घंटे टाइम अब दे दो मुझे काट कर जल्द साहब चला आऊंगा बहन के बदले में अपने साहब सुनो दुश्मनी उससे लेकर चला आऊंगा मेरी बहन के साथ मान सम्मान के साथ खेला गया साहब मैं भी उसे दुश्मनी कर साहब उसका बदला चुका कर जल्दी वापस आ जाऊंगा साहब मेरी बात पर भरोसा रखो साहब तुम्हारे बातों पर भरोसा रखो यानी बहन भाई को क्या मिला दिया तो अच्छे अच्छा नाटक रच लिया क्या सोच रहे हो मैं बेवकूफ हूँ और तू कह रहा है कि साहब मुझे 24 घंटे के लिए मुलाकात दो दो मैं अपना बदला पूरा करने के बाद फिर वापस लौटाऊंगा मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या मेरी बहन मर जाएगी साहब एक खून करके आया है और दूसरा खून करना चाहता है तू सुन मैं 24 घंटा क्या 24 सेकंड के लिए भी तुम्हें चुनाव नहीं छोड़ सकता समझ रहे हो अरविंद कुमार इसके हाथ में हथकड़ी लगाओ नालायक कह रहा है मुझे 24 घंटे के लिए मुलाहत दे दो सही साहब आप कह रहे हो मेरे पास बहन है मैं अपनी बहन का पीड़ा समझ रहा हूँ साहब अगर आपके पास भी कोई बहन होती तब तो कुछ ना कुछ आपको एहसास होता साहब ठीक है साहब आप अपने कानून का पालन करो साहब
भैया पता नहीं कहा मेरा भाई इतनी भीड़ में खो गया, आज मेरा संजीत होता तो मुझे रोने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे करो अरविंद कुमार रजिस्टर लाओ, इस कागजात पूरा करना है मुझे। अभी तक अपने रकम अली साहब का कोई पता नहीं चल रहा है। साहब कहां पे हैं? वो जब से लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए तब से उनका कोई पता नहीं चल रहा है। साहब किसी काम पे अर्ज किया हो या तो किसी रिश्वत के चक्कर में पड़ गया होगा। हाँ साहब उसका मेरे को भी लग रहा है कि रकम अली साहब की आदत अभी तक सुधरी नहीं है। ठीक है ऐसा करो गीता मैडम उस अपने हिरासत में लो और तुम जाओ रजिस्टर लेकर आओ। ठीक है लेकर खड़ी हो फिर भी नहीं बोल रही हो। ठीक है अब मैं थाने में पहुंच चुका हूं, देखता हूं मेरे साहब क्या कर रहे हैं। गिरी माता और है मैं अपनी हरकत से नहीं बाज आता, बदनाम हो ठीक है कोई बात नहीं, इनका कहना ठीक है रिश्वत लेता रहूंगा सॉरी सॉरी करता रहूंगा। अरे सर जय हिंद। रकम अली अभी अभी हमारी बात हो रही थी कि अभी तक रकम अली आ रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इतना विलंब क्यों किया? सर सरकारी काम है, ही है अस्पताल में जाने के बाद सरकारी डॉक्टर सुनते कहाँ हैं, अभी कहते हैं वहाँ जाओ उनके पास कागज बनवा कर ले आओ, ये हुआ हुआ हुआ। सर ये बताओ रिपोर्ट में क्या निकला? सर हाँ एक चौंका देने वाली बात आई है। क्या बात है बोलो। सर मौजूदा पीरियड जो है छोरा मिला था लेकिन उसके पहले उसे गोली से मारा गया। गोली से? जी सर और भी राइफल की गोली मिली। राइफल की गोली? जी सर। लेकिन रकम अली ये निहायत गरीब है, राइफल कहां से मिल जाएगा? हाँ सर यही तो बात है, कुछ लोग मजबूरी से काम करते हैं और कुछ उनका पेशा होता है शौक से करते हैं। रकम अली सर ये तो चौंका देने वाली बात है, ये निहायत गरीब। हाँ सर और राइफल कहां से पाएगा? इसका मतलब ये है कि खून और कोई किया है। हाँ खून किसी और ने किया ही है। लेकिन रकम अली मैं इसे बार बार पूछ रहा हूँ लेकिन ये बताने को तैयार नहीं हो रहा है। हाँ और ये कह रहा है कि मैं जमीन की लालच में आकर अपने बाप का खून कर दिया। यही बात समझ में नहीं आती सर, कोई मजबूरी होगी इसके सामने, ये मजबूरी काम कर रहा है या तो धमकी दी होगी कि हाँ अगर तुम थाले है बताओगे तो हम तुम्हारी बहन को मार देंगे या और कोई बात होगी तुम्हें मार देंगे। लेकिन रकम अली क्या करूं, मैं तो कानून से बना हूं। हाँ सर यही तो अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि फांसी का डर भी हो चुका है, परसों इसकी फांसी होगी। जी सर कर ही क्या सकता हूँ भाई, तो मैं मजबूर। ठीक है सर। अरविंद कुमार क्या बात है? एक्सीडेंट हो गया? कहाँ पे? हाईवे पे। ठीक है एक मिनट में देखता हूँ। साहब अपने थाने के पास जो हाईवे है वहां पे साहब एक्सीडेंट हो चुका है। साहब ऐसा है अरविंद कुमार और रकम अली तुम दोनों साथ में जाओ। ठीक है वहां की स्थिति देखो और वहां शांत माहौल बनाना। जी सर। और गाड़ी अपने कब्जे में ले लेना। ठीक है थाने लेकर जी सर। ठीक। और हाँ सर एक बात बताना भूल ही गया। क्या बात है? गांव का एक ऐसा मुखबिर है जो हमें सूचना दिया है, कहा सर
देखिए राम सिंह को पता लग रहा है कि वो साला एक नए अड्डे पे आ रहा है। अच्छा जी सर, तो ठीक है ऐसा करो, तुम सबसे पहले जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ जाओ, हाँ। और शाम को हम लोग वहाँ चलने के लिए तैयारी करें। ठीक है सर, जितना जल्दी हो सके वहाँ जाओ। ठीक है सर, और किसी से पता लगा लूं, बात सच है तो शाम को जरूर छापा मारेंगे। ठीक है, कमली ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले वहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ पहुंचो। ठीक है गीता मैडम, गीता मैडम, गीता मैडम हरदम सोती क्यों रहती हैं? इसका स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा। गीता क्या है सर, किस सोच में पड़ी रहती हो? ये बताओ घर की याद आ रही है या और किसी की याद आ रही है? नहीं सर, किसी की याद नहीं आ रही है। तो क्यों सोती हो तुम, क्या सोचती रहती हो? सो नहीं रही थी सर, कुछ सोच रही थी। हाँ सर, देखो गीता मैडम हम लोग परेशान हैं, उधर एक्सीडेंट हो गया है, मुलजिम को देखना है और राम सिंह डाकू का भी पता अड्डा का पता लग गया है, हम लोग क्या क्या करें? तुम जब देखो तब सोती रहती हो, जब देखो तब कुछ न कुछ सोचती रहती हो, और अगर इसी तरह करती रहोगी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, दुनिया कभी होती जाओगी तुम। आ जाओ वहाँ देखो, और सुनो गीता मैडम, हाँ सर मैं रिपोर्ट देखने चल रहा हूँ, ठीक है? ठीक, और कुछ लिखे पड़ी होगी इसलिए तुम ढंग से देखना और सोना मत। नहीं सर मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगी, फुल कोशिश करूंगी कि नींद ना आए। कोशिश नहीं, बिल्कुल ड्यूटी सही देना, अगर वो भाग जाता है तो समझ लो तुम्हारी ड्यूटी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, नहीं उसे ठीक से देखना और सोना मत और न किसी को सोचना। नहीं सर, ठीक ठीक है सर, चलो। हेलो, हाँ साहब ये आ गए हमारे पीके गुरु से, पीके गुरु से भाई साहब इस सीन को देखते हैं, 11 रुपये दे रहे हैं, पार्टी हमारी साहब को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। अब मेरे सर रिपोर्ट देखने में बिजी हैं, मेरा काम अभी इसी में सरक जाएगा, क्या बताऊं मैं, जब से मोहित को देखी हूँ ना फुल मैं फिदा हो गई हूँ, लेकिन क्या करूं मेरी ड्यूटी है, मारना पड़ता है बोलना पड़ता है, अगर ना करूं तो नौकरी से भी जाऊंगी। आज मौका मिला है, अगर आप नहीं भगा देती आजाद नहीं कर दूंगी इसको तो परसों की फांसी हो जाएगी तो कभी नहीं मिल पाऊंगी, और अगर जिंदा रहेगा तो कहीं भी मिल जाऊंगी, इसीलिए मैं आज मोहित को भगा दूंगी। मोहित, ओ मोहित, सुनाए भी नहीं। क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो तुम? अपनी बहन के विषय में सोच रहा हूँ साहब। क्या सोच रहे हो बहन के विषय में? यही सोच रहा हूँ दुनिया में मेरी बहन जिंदा भी होगी कि नहीं होगी साहब। टेंशन मत लो मोहित, तुम्हारी बहन और भाई की बात मैं दोनों की सुन ली जब बतला रहे थे, तो इसीलिए तुम जाओ अपने बहन की जान बचाओ, मैं हथकड़ी खोल दूंगी तुम्हारे हाथ से। सच में साहब? हाँ, इसलिए कोई अपने पिता का खून थोड़ी कर सकता है इससे जल्दी। नहीं साहब, मैंने बाबूजी का खून नहीं किया साहब। लेकिन बुरा मत मानना, मैं आपको भी मार रही हूँ तुम्हारी बहन को भी, मेरी ड्यूटी है। लेकिन एक चीज और याद रखना, मेरे बड़े सर को कभी मत बताना कि गीता मैडम ने। कभी नहीं बताऊंगा साहब, इस एहसान को मैं कभी ता जिंदगी में नहीं भूलूंगा साहब। बताना मत कभी। नहीं साहब। ठीक है जाओ। जय साहेब। जाओ सुनो, अभी जाओ, जब कभी बाद में मिलना ना तो तुमको कुछ बताऊंगी, लेकिन इनकार मत करना। कहा साहेब, कौनो ऐसी बात हो तो पहले बता दो साहेब। नहीं अभी नहीं बताऊंगी, तुम बहन को अपने बचाओ जाओ।
साहब आ गए साहब। साहब हादसा बहुत खतरनाक हुआ साहब वहाँ पे। कोई मरा तो नहीं? हाँ साहब, ट्रक वाले ने एक आदमी के ऊपर साहब चढ़ा दिया, जो कि वो आदमी खत्म हो चुका साहब, मर चुका है साहब। रकम अली साहब अपनी लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके चले गए हैं और ट्रक को हम कब्जे में ले लिए हैं साहब, और ट्रक ड्राइवर भी पकड़ गया है साहब। पकड़ गया है? हाँ साहब। चलो साले को भी बताता हूँ। अच्छा करो साहब, मोहित को अपने कब्जे में लो और उसका चलान करना है, ठीक है? ओके साहब। बोलो क्यों चिल्लाते रहते हो? लाओ पर्दा फट जाएगा मेरा, तो लगवा दोगे कि बनवा दोगे? मोहित को मुझे दो, अब मैं उसे ले जाता हूँ। अच्छा इसका चलान होगा, फांसी भी होना है ना? हाँ चलो जल्दी, चलो आओ, चलो जल्दी मोहित को भी फांसी करना साहब। साहब साहब कैदी साहब, गीता मैडम के हाथ में कैदी लग रहा है मुझे, रस्सी बन गया, हथकड़ी बन गया साहब। अगर कोर्ट बंद हो गया तो कुछ नहीं होगा। किसको ले चले? तुम्हें? मोहित को। मोहित कहाँ है? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा है? लगता है सर इसी छेद से निकल गया क्या मोहित? यार बहुत मालूम है सर, मुझे नहीं पता। देखिए कितना मैं तो नहीं, कला कितना बतला रही है, देखो। मुझे नहीं पता, मुझे सब कुछ मालूम है। सच सच बताओ, लग रहा है मोहित को तुमने छोड़ा? सच बताओ। एक चीज हो सकता है, एक बात। क्या? ऐसा हो सकता है ये जो है ना सिपाही जो है आपका, ये थोड़ा घुसखोर है, रकम अली के साथ रहते रहते इसका भी दिमाग घूम गया होगा, उसके बहन से घूस ले लिया होगा और लाख तो ही लगाया था, मालूम नहीं लाख लगा था कि नहीं लगा था, मैं तो चेक भी नहीं की। अब मुझे नींद आ गई, वो अपना खोल के चल दिया। यानी तुम सो गई? हाँ सर, मेरी आँख झप गई थी आज। मतलब मैं तुम्हें कितना समझाया था फिर भी तुम सो गई? सॉरी सर। और अरविंद कुमार, तुम रिश्वत लेकर उसको उसका ताला नहीं लगाया था ना? नहीं साहब, लाख इसका मतलब तुम खोल कर गए थे, ऐसा है? मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ साहब, रिश्वत लेना छोड़ दिया साहब। रजिस्टर लो और तुम दोनों मेरे साथ चलो। इस वक्त तुम दोनों को मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुस्लिम को मुझे पकड़ना है। एक खून किया है, दूसरा खून करने के लिए कह रहा था, हो सकता है खून कर दे, इसलिए चलो उसे तुरंत गिरफ्तार करते हैं। ठीक है साहब। और उसके बाद लौटने के बाद मैं तुम दोनों खबर जरूर लूंगा। ठीक है साहब, चलिए। आज हमारे नए सरदार जी का आने का वक्त हो चुका है, मैं उनका इंतजार करता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहते हैं। दाजी जय मां भवानी, जय मां भवानी की। देखिए साथी, आपने मुझे अपने गुरु का सरदार बनाया और सरदार मैं बना, तो आज से जो मैं कहूंगा मेरी आज्ञा का। ठीक है सरदार जी। पहली बात तो कहीं पर चोरी डकैती करना तो धन लूटना, माँ बहन बेटियों का धर्म मत लूटना। सरदार जी, मैं गरीब घराने का इंसान हूँ, इज्जत समझता हूँ। इज्जत वो नहीं समझते जिनके पास पैसा होता है। ठीक कहते हो। और दूसरी बात, अमीरों का धन लूटकर इन गरीबों को फट। ठीक है सरदार जी। और तीसरी बात सुनिए, हमेशा याद रखना। कौन? क्या बात है सरदार जी? और गरीबों को हर गिज नहीं, तुम ऐसा नहीं होगा। गरीबों को हर गिज
बाबा। बात समझ आई? सुनिए, आज मुझे बहुत पुरानी बातें याद आ रही है। वो क्या बात है सदा जी? वो मैं बताऊंगा। जबकि आज उस अपमान का मैं बदला चुकाने के काबिल हो गया हूं। ये एक रकम अली दरोगा सार हमारे मन के बैठा है। जबकि हम जैसे गरीब इंसानों की कोई तानिम सुनवाई नहीं करते थे, उस सम्मान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। और उसके बाद मुझ पर जो बीती हुई है, जिसके कारण, उसका बदला उनसे चुकाऊंगा जो कि भयभीत सिंह कमीना जमींदार बनकर और प्रधान बनकर बैठे। सरदार जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? इजाजत है सरदार जी, आप इस रूप में नहीं चलोगे। आपके इस रूप शकल पे नकाब पोशाक होगा, क्योंकि गांव के लोग आपको पहचान लेंगे। आपके चेहरे पर नकाब पोशाक होगा, क्योंकि आप को लोग वहां के लोग पहचान लेंगे। हम लोग वहां फंस जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं इसी वक्त चल रहा हूँ और नकाब पोश लगाऊंगा और अपने अपमान का बदला चुकाने के लिए वहां चलूंगा। ठीक है सदा जी, चलिए। बोला मां भवानी की जय। वास्ते मिली है देवी जी, मुझे मालूम हो रहा है साथी, ये लड़की मुसीबत की सताई हुई है। देवी जी। हाँ बाबूजी। मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? बोली बाबूजी।